जी कैसे हैं आप दोस्तों। वैशाख महीने में आने वाली पूर्णिमा को सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में होता है और चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि तुला में होता है। अतः ऐसे शुभ मुहूर्त में पवित्र जल में से स्नान करने से कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। बुध पूर्णिमा के दिन उपासना पाठ करने और दान देने का भी विशेष महत्व है। इस दिन सत्तू मिष्ठान जल पात्र भोजन और वस्त्र दान करने और पितरों का तर्पण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन शुद्ध पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। प्रातः स्नान करने के बाद पूरे दिन का व्रत रखने का संकल्प लें। विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। प्रसाद के रूप में चूरमे का भोग लगाएं। पूजा संपन्न होने के बाद सभी को प्रसाद ग्रहण करने के लिए और अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों को दोस्तों दान दें। रात के समय फूल धूप गुड़ दीप अन्न आदि से पूरी विधि विधान से चंद्रमा की उपासना करें। चंद्रमा की पूजा करते समय इस विशेष मंत्र का उच्चारण करें। वसंत वांधत्व विभो शीताक्षो स्वस्ति नाकुरु गग नार माणिक चंद्र दक्षा यणेवते। बुध पूर्णिमा उपासना कैसे करें दोस्तों। पूर्णिमा के दिन सबसे पहले भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी से भरा हुआ पात्र तिल और शक्कल स्थापित करें। पूजा वाले ज्योत में तिल का तेल डालकर जलाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन उपासना के वक्त तिल के तेल का दिया जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। अपने पितरों की तृप्ति के लिए व उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप पवित्र नदी में स्नान करके हाथ में तिल रखकर तर्पण करें। बुद्ध धर्म के धर्म ग्रंथों का निरंतर पाठ करें। बोधि वृक्ष की शाखाओं को हार व रंगीन पताकाओं से सजाकर उसकी उपासना करें। उसकी जड़ों में दूध व सुगंधित पानी डालें और बोधि वृक्ष के आसपास ज्योत जलाएं। इस दिन पक्षियों को पिंजड़े से मुक्त कर आकाश में उड़ा दें। पूर्णिमा के दिन दान में गरीबों को वस्त्र भोजन दें। ऐसा करने से गोदान के समान फल प्राप्त होता है। पूर्णिमा के दिन तिल व शहद को दान करने से व्यक्ति पापों से मुक्त होता है। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करना वर्जित है क्योंकि गौतम बुद्ध पशुवध के सख्त विरोधी थे। बुद्ध पूर्णिमा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरा राष्ट्र महात्मा बुद्ध को भगवान मानता है और इस दिन लोग भगवान बुद्ध को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को आत्मसात करते हैं। दोस्तों बुध पूर्णिमा का दिन विशेष महत्वपूर्ण वाला दिन है। इस दिन जरूर पूजा पाठ करने से हमें विशेष फल प्राप्त होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है। दोस्तों यह दिन माँ लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है। इस दिन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु किए गए सात्विक उपायों से माँ की अनुकंपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा के अचूक उपाय हम बताने जा रहे हैं दोस्तों। सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा माँ लक्ष्मी को विशेष प्रिय है। इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करने से जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सुबह लगभग 10 बजे पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा रखकर मीठा जल अर्पण करके धूप अगरबत्ती जलाकर माँ लक्ष्मी का उपासना करे और माता लक्ष्मी को अपने घर पर निवास करने के लिए आमंत्रित करें तो उस जातक पर लक्ष्मी की अनुकंपा सदा बनी रहती है।
सफल दाम्पत्य जीवन के लिए चाहते हैं तो पूर्णिमा को पति पत्नी में कोई भी चंद्रमा को दूध का अर्ध अवश्य ही दे, दोनों एक साथ दे तो बहुत अच्छा है। इससे आपके गृहस्थ जीवन में मधुरता सुंदरता आएगी। जिस भी मनुष्य को जीवन में धन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन्हें पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर स्त्राम स्त्री स्त्रोसा चंद्रमा से नमा अथवा ओम एम क्लीम सोमाय नमा मंत्र का जप करते हुए अर्ध देना चाहिए। इससे धीरे धीरे आपकी जो सभी आर्थिक कठिनाइयों का समाधान हो जाएगा। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव को सफ़ेद चंदन एवं सफ़ेद फूल चढ़ाते हुए साबूदाने की खीर का भोग लगाएं। परिवार में सुख समृद्धि शांति सौभाग्य की वर्षा होगी। रोग और संकट दूर होते हैं और घर में शांति आती है। पूर्णिमा के दिन अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति हेतु दूध में शहद एवं चंदन मिलाकर छाया देखकर चंद्रमा को दोस्तों अर्घ दें। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के चित्र पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन सुबह उन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में जरूर रखें। इस उपाय से घर में धन की कोई भी कमी दोस्तों नहीं रहेगी। इसके पश्चात प्रत्येक पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर माता के सम्मुख रखकर उन पर पुनः हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में दोस्तों रखें। आप पर माँ लक्ष्मी की अनुकंपा बनी रहती है। हर पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर लक्ष्मी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पण करना चाहिए। ये इत्र की शीशी खोलकर माता के वस्त्र पर वह इत्र छिड़क दें। उस अगरबत्ती के पैकेट से भी कुछ अगरबत्ती निकालकर जला दें। फिर धन सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। हर व्यक्ति को अपने घर के मंदिर में प्रेम शुभता और धन लाभ के लिए श्री यंत्र व्यापार वृद्धि यंत्र कुबेर यंत्र एकाक्षी नारियल दक्षिणावर्ती शंख आदि माता लक्ष्मी की प्रिय इन दिव्य वस्तुओं को जरूरी स्थान देना चाहिए। इनको साबुत अक्षत के ऊपर स्थापित करना चाहिए और हर पूर्णिमा को इन चावलों को जिनको आसन के रूप में स्थान दिया गया है उन्हें अवश्य बदल कर नए चावल रख देना चाहिए। पुराने चावलों को किसी वृक्ष के नीचे अथवा बहते हुए पानी में दोस्तों प्रवाहित कर देना चाहिए। पूर्णिमा की रात में 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा के ऊपर त्राटक करें अर्थात चंद्रमा को लगातार देखें। इससे नेत्रों की ज्योति दोस्तों तेज होती है एवं पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा पिरोने का अभ्यास करने से दोस्तों नेत्र की ज्योति बढ़ती है। आयुर्वेद के अनुसार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की चांदनी सभी व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभकारी। यदि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रकाश गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो गर्भ पुष्ट होता है। अतः गर्भवती स्त्रियों को तो विशेष रूप से कुछ देर अवश्य ही चंद्रमा की चांदनी में रहना चाहिए। वैसे तो सभी पूर्णिमा का महत्व है लेकिन कार्तिक पूर्णिमा माघ पूर्णिमा शरद पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा बुध पूर्णिमा आदि अति विशेष मानी गई है। और जो बुध पूर्णिमा जो है दोस्तों 30 तारीख की है और आप जरूर ये उपाय करें और आपको जरूर सफलता मिलेगी। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन किसी शिव मंदिर में 1.25 किलो अखंडित चावल बासमती चावल लेकर जाएं। फिर भगवान शिव की
विधि पूर्वक पूजा करके अपने दोनों हाथों को मिलाकर उसमें जितना चावल आ सके उतना लेकर शिवलिंग पर चढ़ा दें और बाकी चावल दक्षिणा सहित वहीं मंदिर में पुजारी या जरूरतमंद को दान में दे दें। इस उपाय को हर पूर्णिमा सावन के सभी सोमवार को करने से भगवान शंकर की भोलेनाथ की अनुकंपा मिलती है, समस्त आर्थिक संकट अड़चने और आपके जो जीवन में कष्ट आ रहे हैं वो सब दूर होते हैं। घर में कारोबार में माँ लक्ष्मी का वास होता है, कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ सक्सेस मिलती है। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र, शमी पत्र और फल चढ़ाने से भगवान शिव की जातक पर सदैव कृपा बनी रहती है। पूर्णिमा के दिन घिसे हुए सफेद चंदन में केसर मिलाकर भगवान शंकर को अर्पित करने से घर से कलह और अशांति दोस्तों दूर होती है। प्रत्येक पूर्णिमा पर सुबह के समय घर के मुख्य दरवाजे पर आम के ताजे पत्तों से बनाया हुआ तोरण अवश्य ही दोस्तों बांधें। इससे भी घर में शुभता का एटमॉस्फियर बनता है। लंबे और प्रेम से भरे गृहस्थ जीवन के लिए पूर्णिमा और अमावस्या को मनुष्य को बिल्कुल भी संबंध नहीं बनाने चाहिए। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रमा के उदय होने के बाद साबूदाने की खीर मिश्री डालकर बनाकर माँ लक्ष्मी को उसका भोग लगाएं, फिर उसे प्रसाद के रूप में अवश्य सबको बांटे तो इससे आपके घर में धन का आगमन जरूर होगा। पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन जुए, शराब आदि नशे और क्रोध एवं हिंसा से भी दूर रहना चाहिए। दोस्तों मैं तो आप लोगों से कहती हूँ कि आप क्रोध तो अपने घर में बिल्कुल भी आगमन नहीं होना देना चाहिए, क्योंकि ये जो क्रोध है वो नकारात्मक शक्तियां आपके घर में लाता है। जो भी आपने अच्छे कर्म दोस्तों किए होते हैं वो सब इसको ले जाता है। इसीलिए अपने घर में हमेशा शांति बना के रखें। इस दिन बड़े बुजुर्ग अथवा किसी भी स्त्री से भूल कर भी अपशब्द ना बोलें। हर पूर्णिमा पर सुबह के समय हल्दी में थोड़ा पानी डालकर उससे घर के मुख्य दरवाजे प्रवेश द्वार पर ओम बनाएं। तो दोस्तों ये उपाय, अब जो 30 तारीख को पूर्णिमा का दिन आ रहा है, बहुत ही सुंदर दिन है, बहुत ही खूबसूरत दिन है, आप इस दिन जरूर ये उपाय करें और सक्सेस पाएं। दोस्तों अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, लाभप्रद लग रही हो, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।